अप्रैल सन 2007 की बात है। अपने राष्ट्रपति काल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ग्रीस गए। वहां उन्होंने ग्रीस सरकार के समक्ष एक इच्छा प्रकट की कि वे एक बार उस स्थान पर जाना चाहते हैं जहां संत सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था। उन्होंने उस कुर्बानी स्थल के दर्शन करने की अभिलाषा जाहिर की। दरअसल कलाम साहब ने संत सुकरात के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना हुआ था, इसलिए वे उनसे बहुत प्रभावित थे। जब वे सुकरात जी की गुफा में पहुंचे तो उन्होंने कुछ पल के लिए एकांत मांगा। सबके चले जाने के बाद कलाम साहब काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहे। संत सुकरात के महान त्याग को याद करते हुए वे भावुक हो गए। कलाम साहब स्वयं लिखते हैं, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी और ही कालखंड में पहुंच गया हूं। फिर अचानक उस गुफा के सन्नाटे को चीरते हुए मुझे कुछ शब्दों की गूंज सुनाई दी और इसी के साथ आरंभ हुई उनके और संत सुकरात के बीच की एक मूक वार्ता। संत सुकरात कहते हैं, आप एक महान गणतंत्र राज्य से आए हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप उस महान भारत देश के वासी हैं जहां विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण आज़ादी है। अब्दुल कलाम उनसे कहते हैं, आप में तो इतना दिव्य सामर्थ्य था कि आप स्वयं को विषपान के घातक परिणामों से बचा सकते थे, किंतु फिर भी आपने अपने जीवन का बलिदान क्यों कर दिया? संत सुकरात कहते हैं, विदाउट सेक्रीफाइस नो ग्रेट थॉट्स वुड हैव बीन पॉसिबली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्शन। अर्थात महान विचारों को क्रिया में बदलने के लिए बलिदानों का आधार चाहिए ही होता है। दोस्तों, संत सुकरात के ये शब्द हमें एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। संत सुकरात ने सत्य विचारों को जीवंत रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। यदि हम भी समाज के लिए कुछ अच्छा सच्चा महान सोचते हैं तो उसे हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए भी हमें बलिदान देना ही होगा। यह बलिदान किस चीज़ का होना चाहिए? हमारे अहंकार का, मन के विकारों का, छोटी सोच का और रूढ़िवादी धारणाओं का। बेशक यह बलिदान संत सुकरात जैसा महान नहीं है, पर गिलहरी जैसा छोटा सा बलिदान भी हमारे एक सुंदर विश्व की रचना में हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।